टीचर कंसल्टेशन सर्विस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ और एक पिका कार्ड रीडिंग। आज का सब्जेक्ट है कि आपका जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा व्यूअर चॉइस से मैंने बनाई हूँ। मेरे जितना व्यूअर्स है सब मुझे रिक्वेस्ट किया है, और जो पर्सनली रीडिंग के लिए आता है, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई माय पर्सन इज इन ऑफ एंड ऑन कंडीशन। क्यों ऑफ एंड ऑन है, इनको क्या चीटिंग है या ट्रू लव है? तो ये मेन क्वेश्चन है जो इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर ऑफ एंड ऑन हो भी, अगर मुझे मालूम है कि मेरे पर्सन ट्रस्टफुल है, ही और शी लव्स मी अ लॉट, तब इंसान का कोई बात नहीं है। मगर एक तो कन्फ्यूशन का जगह होता है, वाइब से पता चलता है, तभी जाके इंसान का ये तकलीफ हो जाता है, रिजेक्शन का तकलीफ, चीटिंग हजम करने का तकलीफ, मतलब चीटिंग कर रहा है कि नहीं, ये कन्फ्यूशन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ ये जनरल रीडिंग, आपकी पर्सन आपको चीटिंग कर रहा है या ही और शी लव्स यू, ट्रूली लव्स यू। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ पाइल वन, ये रेड कलर का नेल पेंट के साथ, पाइल टू दिस एश कलर नेल पेंट, एंड पाइल थ्री दिस ग्रीन कलर नेल पेंट। ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, एनी टाइम आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी पाइल चॉइस कर सकते हो, राइट? सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट एंड थिंक अबाउट योर पर्सन्स फेस, डोंट बी बायस्ड ना, वो मुझे चीटिंग कर रहा है, ओ नहीं 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 वो नहीं कर रहा है, ये सब दिमाग में मत रखिए, जस्ट फोकस। पाइल वन, पाइल वन मतलब जिन लोगों ने ये रेड कलर का नेल पेंट पसंद किए थे, उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आज के रीडिंग में क्या क्या कार्ड आया है, आज का सब्जेक्ट क्या है, कि आपका जो पर्सन है वो ऑफ एंड ऑन में है, या बहुत कम कांटेक्ट करते हैं, या बहुत नॉर्मल कांटेक्ट करते हैं, मगर उनका वाइब से आपका कन्फ्यूशन है। तो इस जगह में खड़े होके मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का एक ही क्वेश्चन है, मैम ही इज़ चीटिंग विथ मी, शी इज़ चीटिंग विथ मी, और शी लव्स मी ट्रूली। तो इसीलिए पाइल वन का जो कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूशन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड। रुकिए, मैं थोड़ा कैमरा को पीछे करती हूँ तो आपका बहुत अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है? देन एस ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, Temperance, Justice, Seven of Pentacles, कार्ड को थोड़ा आगे करती हूँ, आपका देखने में इजी होगा, ठीक है? इस बार एनर्जेटिकली कार्ड मैं पिकअप करते करते मैंने देखा बहुत सारा कार्ड आ गया। नॉर्मली 9 कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, मगर इस बार देख रही हूँ 12 कार्ड्स आया मेरा। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द आउटकम एंजल गाइडेंस का क्या कार्ड है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो इस जगह में मुझे जो यहाँ का एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, दैट मीन्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पीसीएस, एरिस लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकर्न, इसके अंदर आप और आपका पर्सन होंगे, ठीक है? तो मैं जो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, पूरा एनर्जी उसमें देखिए थ्री ऑफ कप्स है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है? तो काफ़ी कन्फ्यूशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एंड एक चीज़ बोलना पड़ेगा, ये जो रिलेशनशिप वाइब से साइकिक वे में मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी बहुत प्यार आप लोग छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा एक रिलेशनशिप में आप लोग हो, आप दोनों ऐसा एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप मैरिड, वो मैरिड, दोनों मैरिड, एक तो है ही,
ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बार बार सोचना क्या किया जाए क्या किया जाए, ऐसा एक जगह में आपकी पर्सन लिटरली है. तो थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग कि हाँ मेरा फैमिली, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ड्यूटी, वो एक क्लीशे वर्ड जो चलता है कि ठीक है चलो ऑलवेज ड्यूटी फॉर्मेलिटी एंड एंड. ये देखिए ये न्यू रिलेशनशिप तो है नहीं, मगर कन्फ्यूजन होने का, तो कन्फ्यूज होने का तो कोई जगह नहीं होना चाहिए. इतना कन्फ्यूजन प्यार की शुरुआत में करो कि हाँ स्टार्टिंग से मुझे सोच लो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं इस जगह में खड़े हो कि आपका पर्सन कन्फ्यूजन दिखा रहा है. ठीक है, आपका पर्सन कन्फ्यूजन दिखा रहा है, वो दिखाता ही रहता है. यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, दिस इज नॉट न्यू एनर्जी फॉर हिम और हर, वो कन्फ्यूजन दिखाता है. आना ठीक होगा, नहीं आना, अब डिसीजन भी नहीं ले पाते कि नहीं नहीं आना. ठीक है, इस जगह में आपका पर्सन खड़े है, ड्यूटी, लव, कन्फ्यूजन एंड ऑल, इसके अंदर आपका पर्सन खड़े है. ठीक है, और कभी कभी इस पर्सन, आपका पर्सन को, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, कभी कभी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, कभी कभी लगता है नहीं बहुत बुरा, नहीं होना चाहिए ऐसा रिलेशनशिप, समाज के लिए ठीक नहीं है, मेरे ऑनेस्टी के लिए ठीक नहीं है. तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है, जो लोग पाइल वन पसंद किए हैं, ये इंसान ट्रस्टफुल है आपके लिए? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद, ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद वो सोच रहा है ये ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन में आपका पर्सन खड़े है. तो इस जगह में इतना कन्फ्यूजन क्यों? ये कन्फ्यूजन तो रिलेशनशिप में जब शुरुआत है तभी कर लो. अभी इतना लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद आपकी पर्सन सोच रहा है कि इट इज़ गुड और नॉट गुड और नॉट, नो इट्स नॉट गुड, अगर फिर आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार भी नहीं छोड़ पा रहा है. ठीक है, और प्रॉपर वे में खुद, एक्चुअली खुद को चीट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, खुद को चीट कर रहा है ये. हाँ, प्रॉपर वे में देखिए, मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, प्यार है सब कुछ है, प्रॉपर वे में कोई मूवमेंट नहीं, वेट कर रहा है क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, समाज क्या बोलेगा, ये टाइम क्या बोलेगा. फिर आप बोलो कि ठीक है रिलेशनशिप खत्म करो, उसमें भी राजी नहीं होगा ये इंसान, फिर वापस आएगा. ये एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है इस पर्सन का. तो ऐसा करके तो कोई इंसान चल नहीं सकते, एक डिसीजन में तो आना है. तो अगर मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे जितना क्लाइंट्स आता है, स्टूडेंट्स, सबको एक ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो, प्यार करो, अनकंडीशनल लव दो, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो. उसको पूछो, व्हाट डू वांट, यू वांट टू स्टे विथ मी स्टे, यू वांट टू गो गो, आपका प्यार रहेगा. मगर इतना कन्फ्यूजन में जीना मतलब कहीं ना कहीं आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है ना, वो खुद को कर रहा है, वो खुद को कर रहा है, खुद को करने दो, मगर आपको कर रहा है उसमें फोकस्ड हो जाओ. इतना कन्फ्यूजन क्यों होगा प्यार होगा तो? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कन्फ्यूजन क्यों रहेगा प्यार होगा तो? ये जगह में आपका पर्सन खड़ा है. ठीक है, वहां पे भी प्यार, बीबी के ऊपर भी प्यार, आपके ऊपर भी प्यार, हस्बैंड के ऊपर भी प्यार, बॉयफ्रेंड के ऊपर भी प्यार, ऐसा कन्फ्यूजन में आपका पर्सन है. मगर मैं एक चीज देख रही हूँ यहाँ पे, गुड एनर्जी, वो फाइट तो कर रहा है इस चीज को, अभी तक फाइट नहीं किया उतना, किया नहीं किया दोनों के अंदर, कभी करते हैं कभी छोड़ते हैं, छोड़ो बाबा ऐसा ही चलेगा, कोई मूवमेंट नहीं दिखाते. मगर इसके बाद ना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करेगा आपका पर्सन, मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करेगा एंड फाइट करके वो जीतेंगे. ये जो फाइट ना, ये फाइट से वो जीतेंगे. डेथ कार्ड आया है, मतलब क्या है, ये जो सिचुएशन ऑफ एंड ऑन कन्फ्यूजन, आपका डिसरेस्पेक्ट फील होना, ये जगह से ना वो बाहर निकाल के आएंगे. ये डेथ कार्ड मीनिंग है एक साइकिल को खत्म कर रहा है ये. ठीक है ना, ये जगह का आगे आगे का जो एनर्जी मैंने देखा, इस जगह से ये निकाल के आएंगे. एंड एस ऑफ वंड्स भी है, इट इज अ सोलमेट रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड एक सोलमेट रिलेशनशिप है. एंड मैं जैसे बोला कि हाँ देखा एनर्जी सेम, ये जो है ये हालत से निकाल के वो आएंगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो स्टेप अप करेंगे, वो जरूर आपके सामने आएंगे. ठीक है, ये मतलब कमिटमेंट देना या आपको मतलब सरेंडर करना कि आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ड्यूटी कोई जगह हो मगर आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लिटरली वो काम पे दिखाएगा. सुनिए एक चीज़ मैं ऑलवेज मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, देखिए मीठे मीठे बात करने के लिए तो दुनिया पड़ा है, मीठे मीठे बात पे आप मत आइए, वर्ड्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज एक्शन.
इम्पॉर्टेंट ऑलवेज इज एक्शन, क्या एक्शन ले रहा है। फोन पे 10 दिन बाद फोन करके तू तो मेरा जान है, तू तो मेरा ये है, तुम तो मेरा ये, उसमें आप लोग मत जाइए। एक्शन क्या ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड ऑफ द डे दिस इज द मेन थिंग, ही इज रिस्पेक्टिंग यू और शी इज रिस्पेक्टिंग यू और शी इज गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप। इस जगह में खड़े हो जाइए, इतना कोडिपेंडेंसी से मर मत जाइए। 10 दिन बाद वो फोन करे तो मेरा जीवन धन्य हो गया, इस जगह में मत रहिए। दिस इज ऑल्सो चीटिंग, दिस इज नॉट चीटिंग विथ हीम और हार, एक्चुअली चीटिंग आपने आपसे करना। इस जगह में खड़े मत होइए, ये मेरा सजेशन है। इस जगह में खड़े होकर चीज को देखिए, ठीक है। प्यार तो होगा, प्यार तो है ही, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, प्यार तो है। मगर इस जगह में स्ट्रिक्ट होके देखिए क्या चेंजेस आता है। अगर आप स्ट्रिक्ट होगे तो मैं जो एनर्जी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, अगर आप सही दिशा में स्ट्रिक्ट होगे कि नहीं, तुम्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा। कमिटमेंट मीन्स देखिए, इन लोगों में जो मैरिज करना चाहता है मैरिड होके भी, स्ट्रिक्टनेस इन लोगों को आगे लेके आएगा। ब्लॉकेजेस क्लियर होगा, आप लोग खुद का ब्लॉकेजेस क्रिएट करो। एक्चुअली क्या होता है, खुद इतना ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रख देते हो, ऑपोजिट पर्सन वही मिरर करके दिखा देता है, आप बोल नहीं पाते हो। खुद एकदम साफ रहो, ऑपोजिट पर्सन कभी ऐसा मिरर करेगा ही नहीं। एवरी बॉडी इज मिररिंग ईच अदर, इसीलिए मैं ऑलवेज हीलिंग की सपोर्ट करती हूँ। हीलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, हीलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस टू क्लीन एवरी कॉम्प्लिकेसी। क्योंकि आपका जो काउंसिलिंग होता है हीलिंग के साथ, वो काउंसिलिंग में आपके अंदर का जो भी सोचने का जो बिलीफ सिस्टम, जो भी प्रॉब्लम करता है हम लोगों का बिलीफ सिस्टम, वो कर रहा है हाँ सच में मैं भी तो नहीं जा सकती या जा सकता। क्यों, अब क्यों रिलेशनशिप में आए, अब क्यों रिलेशनशिप में आए, इस जगह में खड़े हुई है। और रिलेशनशिप में सिर्फ से आपका वांट्स कितना है, फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप भी तो एक रेस्पेक्टफुली होना चाहिए, उस जगह बना के रखिए। देखिए अगर आप ये ब्लॉकेज क्लियर करते हो तो एक सुंदर सा बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में, टेम्परेंस एंड द जस्टिस, आपको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। डेली डेली आपको इतना घुट मतलब दम घुट के जीना नहीं पड़ेगा कि कहीं मुझे चीटिंग हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, वो प्यार नहीं करते, वो टाइम पास कर रहा है, वो मुझे यूज़ कर रहा है, इस जगह से आप निकाल के आओगे। एंड देखिए मैं जो बोली थी प्रॉपरली, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, प्यार तो करते ही है, नो डाउट वो प्यार करते हैं, मगर प्यार का इजहार करना भी तो जरूरी है, एक्शन जरूरी है। प्यार मन में रखो तो कोई बात है इसमें, तुम तो रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें तो इजहार भी करना है, एक्शन में भी दिखाना है, राइट। तो आपका पर्सन देखिए, आप अगर ये ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, देखिए आपका पर्सन भी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स में आएंगे। एंड वो प्यार करते हैं, आपको भी एक रिलेशनशिप में एक जगह मिलेगा, ठीक है। आपने आपका बिलीफ सिस्टम को क्लीन कीजिए, उसमें कचरा भरा पड़ा है, समझ में आया। दूसरे को दोष देने से पहले खुद को देखिए, खुद कितना रेस्पेक्ट देते हो आपने आपको। मेरे पास आता है 30 साल, 35 साल, 25 साल, 27 साल, 40 साल, 45 साल, कोई भी हो आके, मालूम है मैम मेरा तो 2 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का रिलेशनशिप है, मुझे इतनी इज्जत नहीं देता, तो फिर भी तुम पास में जाते हो, दैट मीन्स तुम अगर 40 इयर्स का होके तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते, खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, दैट पर्सन कैसे तुम्हें 2 साल में इतना प्यार इतना रेस्पेक्ट दे देगा। खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाइए, ये जगह में एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए। प्यार तो है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनका भी है, आपका भी है, सबका प्यार है, मगर प्यार का एक फ्रूटफुलनेस भी तो चाहिए कम से कम। अगर मैरिज हो दैट इज फाइन, अगर आप लोगों का डिसीजन हो कि नहीं मुझे मैरिज नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप भी हो या जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें भी तो रेस्पेक्टफुल हो। इतना भागना दौड़ना नहीं चाहिए, कॉन्फ्यूशन ये भी तो डिसरेस्पेक्ट का ही कारण है ना। तो आपका पर्सन जो क्वेश्चन था, आपका पर्सन क्या आपको चीट कर रहा है, नहीं आपका पर्सन लिटरली मैं नहीं बोल सकती कि चीट कर रहा है, वो प्यार करते हैं आपसे मगर कन्फ्यूज्ड है, इसको तो एक डिसरेस्पेक्टफुल वे में वो सोच रहा है, मगर ये चेंज जाएगा। ही इज नॉट चीटिंग यू, एक्चुअली ही इज चीटिंग, ही और शी इज चीटिंग विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इस जगह से अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो तो निकाल के आएंगे। एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल का गाइडेंस है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ये जो मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करता, वो फोन नहीं करता, वो 5 दिन कॉल नहीं किया, वो 10 दिन बात नहीं किया, 2 महीना बात नहीं किया, बस मैं तो मर गई,
ये जगह से बाहर आइए, इनर कॉल को सुनिए, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, सही दिशा में कीजिए। अगर खुद का ब्लॉकेज क्लियर कर सकते हो, वो कभी चीट नहीं कर सकते आपको, पाइल वन का वो चीट नहीं करेगा, उनका सेल्फ इंस्टिंक्ट की बहुत कमी है, डर है, कॉन्टिन्यूसली खुद के साथ खुद फाइट करते रहते हैं, ऐसा इंसान है वो। आप पॉजिटिविटी इतना दीजिए इनको, खुद को हील करके, तब जाके वो पॉजिटिव वे में आपके पास आएंगे, कमिटमेंट देंगे। तो ये था पाइल वन का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, अगर ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग, काउंसिलिंग, तो एंटायर रीडिंग सीखना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ उसमें कांटेक्ट कीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज का टॉपिक भी देखिए आप लोगों की कमेंट के ऊपर भी डिपेंड करके मैं लेके आई हूँ, एंड माय जो व्यूअर्स है उन लोगों का मुझे जो व्हाट्सअप किया है इसके डिपेंड, मेनली कमेंट की डिपेंड से मैं लेके आई हूँ। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास आते ही रहेंगे। थैंक यू। पाइल टू मतलब जिन लोगों ने ऐश कलर का नेल पेंट पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आज का सब्जेक्ट है आपका पर्सन आपको ट्रूली लव करते हैं और चीटिंग कर रहा है, ये व्यूअर चॉइस है। इसके लिए मैं लेके आई हूँ पाइल टू का क्या कार्ड, देखते हैं क्या क्या कार्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वर्न्स, किंग ऑफ वर्न्स, देन द हैंगमैन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड एंड द एंजेलिक गाइडेंस, जो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो पाइल टू जिन लोगों ने पसंद किए थे उन लोगों का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो एनर्जी है, आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, दैट मीन्स आप लोग हो सकते हो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पिसियस, एरिस लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इसके अंदर आप और आपका पर्सन जो है वो होंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल टू का रीडिंग, क्या है आपकी पर्सन आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, और ही और शी लव्स यू ट्रूली। तो ये देखने के लिए मुझे यहाँ का जो एनर्जी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा, कन्फ्यूशन, क्यों इतना कन्फ्यूशन, क्यों इतना झगड़ा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन, झगड़ा, जिद्दीपन, मनी मन फाइट होना, बहुत सीधी तरीका से चीज़ को नहीं लेना, ये जगह में आप दोनों खड़े हो, दोनों के मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दोनों के मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप को, क्या किया जाए रिलेशनशिप का, दोनों के मने ब्लॉकेज में भरा। मगर आप मेरा आप देख रहे हो तो मैं वही बोल रही हूँ, बिलीव सिस्टम को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिख रहा है ऑलवेज हम भी मिलिटरी तुम भी मिलिटरी, ऐसा एक जगह में आप दोनों खड़े हो, ठीक है। ये देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स, झगड़ा भी करते हो, दुखी भी हो जाते हो, झगड़ा भी है, दुखी भी है, ऐसा नहीं झगड़ा करके चलो ये गया है तो गया है या गई है तो गई है, नहीं, झगड़ा बहुत होता है, दुखी भी हो, ऑलवेज सोचते हो कि झगड़ा किया करना नहीं चाहिए था, फिर एक डिप्रेशन में आना दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है। देखो फाइव ऑफ कप्स जो है उसमें क्या होता है, थ्री कप्स, देखो पिक्टोरियल वैल्यू के अंदर आप देखिए तो थ्री कप्स देखिए गिरा हुआ है एंड टू कप्स बैक में है, यहाँ पे देखिए एक ब्रिज भी है, मगर ये इंसान जो है कप जो गिरा हुआ है ये जो रिवर है उसकी तरफ देख रहा है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, पीछे जो दो कप है अभी भी खड़े हैं वो उसको नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या खोया है उसके पीछे पड़ा है, क्या क्या मिल सकता है उसके ऊपर बिल्कुल वो नज़र नहीं दे रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, ये जगह में आपका पर्सन खड़े है, ठीक है।
यहाँ पे चीटिंग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पे है एक ब्लॉकेज, स्ट्रिक्ट ब्लॉकेज, आपका भी आपका पर्सन का भी। झगड़ा भी है, एक बात एकदम एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, हर चीज़ में प्रॉब्लम। आप सोचते हो मैं बहुत दे चुके हूँ रिलेशनशिप को, नहीं चलेगा, मगर हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। इस जगह से आप थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनको भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और कॉम्प्रोमाइज़ तो चाहिए, एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, मगर एक हद तक, जहाँ तक सेल्फ रेस्पेक्ट को आप बना के रख सकते हो तब तक सेल्फ कॉम्प्रोमाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हर रिलेशनशिप में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर मेरा जो पर्सन है वो अगर मेल है, जो मतलब मेरा व्यूअर जो है वो अगर मेल है तो बोलना पड़ेगा आपका जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही जिद्दी किस्म की है। नंबर वन, अच्छा पोजीशन में है, सच बोलने वाली है, ये झूठ बोलना चीटिंग करना ये बिल्कुल नहीं है, मगर जिद है, स्टबर्ननेस बहुत है इनके अंदर, ये थोड़ा इनका प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लोगों में झगड़ा। अदरवाइज आप अगर कोई गर्ल्स देख रहा है तो आपका जो पर्सन है वो आपको ऐसे सोचते हैं, शायद आपके अंदर है, नहीं तो क्यों सोचेगा, वो सोचते हैं आप बहुत जिद्दी हो, आप हर चीज़ लेके नहीं मानते, एंड दैट्स वाई दैट पर्सन ऑल्सो ऑलवेज फाइटिंग, अंदर ही अंदर फाइटिंग चलता है इनका, एंड दैट पर्सन ऑल्सो चालू पर्सन। ये पर्सन भी आपका जो पर्सन है, अगर गर्ल्स व्यूअर है, आई हैव टू से कि ये जो पर्सन है बहुत खुले दिल की, एकदम ओपन हार्टेड पर्सन नहीं है। आप भी जिद्दी दिखाते हो, वो भी थोड़ा टेरा बेका, मतलब स्ट्रेट वे में नहीं सोचते, थोड़ा इधर उधर का रास्ते में सोचते हैं चीज़ को, ठीक है चलो झगड़ा चले, कोई सॉल्यूशन का इच्छा नहीं है, ऑलवेज झगड़ा का इच्छा है, ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है पाइल टू की कार्ड में, ठीक है। ये झगड़ा करते करते जीतने की बीत जाएगा अगर आप कॉम्प्रोमाइज में ना आओ, बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम है, बार बार तो वही बोलती हूँ, काउंसिलिंग इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कितना हद तक सेल्फ लव उसके बाद हो जाता है सेल्फिशनेस, सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट उसके अलग है, पूरा ऑपोजिट है सेल्फिशनेस। बहुत लोग है सेल्फिशनेस को सेल्फ रेस्पेक्ट बोल देते हैं, नो, सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट इज द अनदर वे, एंड सेल्फ लव इज द अनदर वे, ठीक है, सेल्फिशनेस इज द अनदर वे। तो इस जगह में ये जो एक लिमिट होता है इसको अच्छा से समझना है, इसको अच्छा से समझने के लिए काउंसिलिंग इज द बेस्ट वे, ठीक है ना। आपको आपको लग रहा है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उनको लग रहा है हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम किस बात की, दोनों ही गलत कर रहे हो क्या, या दोनों ही सही हो, बोलने का तकलीफ, थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम है आप दोनों में, मुझे तो ये स्ट्रांगली लग रहा है थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम है आप दोनों में, ठीक है। देखो हैंगमैन सिचुएशन में ऑलवेज आपका पर्सन हैंगमैन सिचुएशन, बहुत ज्यादा ईगो में भरा, ईगो बहुत है, हैंगमैन सिचुएशन में रहते हैं, क्या करूँ, चलो ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, मगर होता नहीं है, प्यार तो है होता नहीं है। उसके बाद आता है फोर ऑफ सॉर्ड्स इज अ स्पिरिचुअल कार्ड, आप दोनों में एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है, दैट्स वाई इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी आप एक दूसरे के लिए ही सोचते हो, ठीक है ना। वो चीटिंग नहीं कर रहा है, आप भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, वो भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, वही जो मैं बना चीटिंग खुद से कर रहे हो, झगड़ा कर करके ये जो कीमती वक्त बिता रहे हो ये वापस आएगा, इससे अच्छा है ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, हीलिंग करो खुद का, बार बार खुद करो, नहीं होगा तो हम लोग हीलर जो है एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों के पास आइए, हीलिंग होगा, काउंसिलिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम से आप निकाल के आओगे। देखिए फोर ऑफ सॉर्ड्स मतलब मैंने जो बोला एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों में, द हार्मिट कार्ड, सैड तो है ही मगर मन ही मन न्यू बिगिनिंग के लिए भी सोचते हैं, न्यू बिगिनिंग का भी सितंबर से एक स्ट्रांग चांस मुझे दिखाई दे रहा है, एंड मैंने जो बोला एनर्जेटिकली सच में देखिए नाइट ऑफ कप्स आपके लिए प्रॉपर वे में, अगर आप खुद को खुद हील करके एकदम स्टेडी करो, बिलीफ सिस्टम चेंज करो, तब देखो नॉर्मली नाइट ऑफ कप्स एक सुंदर सा रिलेशन होगा, एंड द वर्ल्ड कप न्यू बिगिनिंग होगा, ये झगड़ा डेली का झगड़ा और दुखी होना डिप्रेशन, ये जिंदगी बहुत कॉस्टली है, एक एक दिन वेस्ट मत कीजिए। अगर आप लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन के लिए गैप लीजिए, टेक टाइम, ठीक है, सोचने के लिए टाइम लीजिए, खुद को हील कीजिए उस टाइम में, डेली मिलना झगड़ना, फिर 10 दिन नहीं मिलना, फिर झगड़ा, फिर कॉल करना, फिर मैसेज, फिर झगड़ा, इससे बाहर निकाल के आइए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक सुंदर सा उसके बाद मुझे बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, ठीक है, आफ्टर सेप्टेम्बर, अगर आप
खुद को बैलेंस कर लो तो नाइट ऑफ कप्स द वर्ल्ड कप वर्ल्ड कार्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग को समझाते हैं। देखते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल बोल रहे फेथ, देखा एंजल बोल रहे फेथ विश्वास, स्टे कम। देखो कितना अच्छा एनर्जी का कार्ड आता है सच में। मैं जब कार्ड पुल करती हूँ देखती भी नहीं हूँ, मैं जब अभी कर रही हूँ मैं टैपिंग करके एनर्जी टैपिंग करके कार्ड पुल कर लेती हूँ। अभी जो देख रही हूँ देखिए कितना कोरिलेटेड कार्ड आता है। स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, हर जगह से लाइट आपको दिखेगा वर्ल्ड का। सिर्फ आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद के जो बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रॉड बनाइए। छोटा छोटा चीज में ईगो, झगड़ा, तुमने ये क्यों बोला, तुमने वो क्यों बोला, तुमने उसने उसको क्यों देखा, तुमने इसको क्यों देखा, हाँ लिमिट तक। कभी वो नॉर्मल कारण में कर रहा है तब जाके आप झगड़ा नहीं कर सकते हो, तुमने मुझे SMS नहीं किया। इतनी इनसिक्योरिटी जगह क्यों है, वो खुद ही करेगा। आप खुद को कितना बात करते हो खुद के साथ, खुद से बात करो, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। होगा ही, पॉजिटिविटी में आएंगे ही। आपका पर्सन बिल्कुल ट्रस्ट, मतलब आपको चीटिंग नहीं कर रहा है, वो प्यार करते हैं। प्यार इतना बहुत पाइल वन का प्यार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी देख रही थी। यहाँ पे झगड़ा करते करते आप लोग प्यार खराब कर रहे हो, मगर हाँ कोई चीटिंग का जगह नहीं है। थर्ड पार्टी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पाइल टू में। तो आप लोग थोड़ा सा शांत होके काम होके एज पर जो ये है एंजेलिक जो गाइडेंस है, थोड़ा काम होके दुनिया को देखिए एंड आप खुद को देखिए। देखिए आप बहुत सुंदर एक आफ्टर सेप्टेम्बर एक सुंदर सा रिलेशनशिप यही पर्सन के साथ वेट कर रहा है आपके लिए। तो ये था पाइल टू का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहिए, तो प्लीज़ एंटैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, तो ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए, तो आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच। तो इस जगह में आप प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी। एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही मैं ये सब वीडियो लेके आती हूँ व्यूअर चॉइस पे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों के पास आते ही रहेंगे। थैंक यू। पाइल थ्री मतलब ग्रीन कलर का नेल पेंट जो लोगों ने पसंद किए थे उन लोगों के लिए आज का रीडिंग। आज का सब्जेक्ट है, आज व्यूअर चॉइस में अगेन मैं लेके आई हूँ कि आपका पर्सन जो है ट्रूली लव्स यू और ही और शी इज चीटिंग विथ यू। तो इसीलिए पाइल थ्री का जो रीडिंग है, पाइल थ्री का देख रही हूँ द मून कार्ड, काफ़ी हेवी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके आपका पर्सन आपसे छोटे है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ओके एट ऑफ वंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड, द मैजिशियन, देन थ्री ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स। एक्चुअली ये कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कार्ड, ठीक है। उसके बाद द स्टार कार्ड, द सन एंड द एंजेलिक गाइडेंस जो है मैं बाद में देती हूँ। गॉड्स का गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, ओके। तो मैं पाइल थ्री का जो रीडिंग है मैं स्टार्ट करती हूँ। पाइल थ्री का जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप लोग हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, ठीक है ना। इसके अंदर आप और आपका जो पर्सन है वो होंगे। दैट मीन्स आप लोग हो सकते हो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पिसियस, एरिस लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसके अंदर आप और आपका जो पर्सन है वो होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखती हूँ। अभी तो फिलहाल बहुत ही, फर्स्ट तो मैं बोलूँगी एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल का कार्ड है। जो ये पाइल पसंद किए हैं वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हर बार मैं देखती हूँ
यू कैन बिलीव अनोइंगली एक फाइल तो मेरा ट्विन फ्लेम आ ही जाता है बिकॉज आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच, मे बी एनर्जी अट्रैक्ट्स, तो इसीलिए हो सकता है कि हर टाइम एक ना एक फाइल अनोइंगली मेरा एनर्जेटिकली ट्विन फ्लेम का तो आ ही जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो बोलूँगी ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप एंड अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। और आपका जो पर्सन है, और एक बात बोलना पड़ेगा, आपका जो पर्सन है मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ये बहुत फेमस कुछ कोई पर्सन होगा, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, अबंडेंस है उनका। फिलहाल हो सकता है कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम हो, मगर फिलहाल कुछ भी हो, ये यहाँ पे ना वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड कोई पर्सन है, ठीक है। वो चाहे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। वो यहाँ पे थोड़ा स्टार्क एनर्जी दिख रहा है, मैं अकॉर्डिंग टू रीडिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, द मून कार्ड। मून कार्ड डीप डिप्रेशन, एकदम डीप डिप्रेशन है इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन में। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा, वो पैसा लेके बहुत सोच रहा है। ही और शी इज डीपली, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ का जो एनर्जी है ना डिवाइन फेमिनिन देख रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन का इतना काम नहीं होता है कि बैठ के कार्ड रीडिंग देखे, क्योंकि उन लोगों का सोच ही अलग होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फेमिनिन मेल के अंदर भी हो सकते हैं एनर्जी, एंड मस्कुलिन एनर्जी कोई फेमिनिन की पार्टी पास भी हो सकता है, मगर अकॉर्डिंग टू एनर्जी मैं ही और शी बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, जो मस्कुलिन एनर्जी में है वो कम है, मतलब आपका जो पर्सन है वो आपसे उम्र में छोटा होगा। हाँ, मुझे ये एनर्जी बहुत लग रहा है आपसे उम्र में छोटा है, एंड वो पैसा लेके बहुत सोच रहा है। हाँ, ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट मनी, हो सकता है लॉकडाउन के लिए, हो सकता है सिचुएशन जिसमें वो बहुत पैसा लेके सोच रहा है अभी। हाँ, ड्रीम देख रहा है कैसे हो, इनके लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो डिप्रेशन में भी है इस रिलेशनशिप एंड ऑल लेके, वो डिप्रेशन में है, ठीक है। एंड सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स, एकदम सेम डीएम एनर्जी, वेरी जिद्दीपन, स्टेबलनेस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत जिद्दी है आपका पर्सन, वो तो आपके अंदर भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है आपको ही मिरर कर रहा है, तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पर्सन नॉर्मल बिहेवियर करेंगे। कहीं ना कहीं आपका गिल्ट वो दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपका फियर वो दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आपका जिद्दीपन वो दिखाएंगे। हो सकता है आपका रिलेशनशिप में नहीं है, अदर कहीं जगह में है, तो शेडो साइड के ऊपर काम करना ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्ट है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ इनर वर्क तो करना है, चक्रा बैलेंसिंग, मेडिटेशन, एवरीथिंग, मिरर वर्क, ये सब तो मस्ट है ही। खुद को जानना, ये तो जर्नी है, खुद को जानने का जर्नी, खुद को बेस्ट वर्जन में लेके आने का जर्नी, जहाँ पे खड़े होके आप अपना ट्विन को अनकंडीशनल लव दोगे। समझ में आएगा, ट्विन इज इनसाइड ऑफ अस, इनसाइड ऑफ यू, अदर्स एवरीथिंग इज इल्यूशन, ठीक है ना। उस जगह में खड़े होके आपको सच में खुद को प्यार देना, खुद को मतलब एकदम बेस्ट वर्जन बनाना, इसमें लेके आइए। जी, अगर आपके अंदर दूसरा कोई चीज में भी जिद्दीपन है, दिस इज द नेगेटिव साइन ऑफ योर कैरेक्टर, लो फ्रिक्वेंसी थिंग, वो आपके पर्सन आपको जो ट्विन है आपको दिखा रहा है, उस जगह से आप बाहर निकल के आइए, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, डिवाइन फेमिनाइन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप दिखाते हो, कहाँ दिखाते हो, वो शेडो साइड के ऊपर थोड़ा काम करो, सोचो, राइटिंग। मैं ऑलवेज, मेरा क्लाइंट आता है, मैं उनको बोलती हूँ ये रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए, राइट डाउन येस और नो, येस के अंदर भी येस नो, नो के अंदर भी येस नो, राइट डाउन थिंग, आफ्टर दैट यू डिसाइड यू वांट दिस थिंग और नॉट। ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको तो आप करना ही है आपको, ठीक है ना। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका काउंटर पार्ट है। फिलहाल आपका जो काउंटर पार्ट है एकदम फुल एनर्जी में है, समझ में नहीं आ रहा, जीत फिर डिप्रेशन, मॉनिटरी सोच, सब मिला के एकदम फुल एनर्जी में है। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों से कांटेक्ट भी कम है या ख़त्म है, ऐसा जगह में है, वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। फुल एनर्जी में, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस जगह में, मगर फुल कार्ड ये भी बोलते हैं, ये भी स्पिरिचुअल कार्ड है, एंड ये फुल कार्ड ऑल्सो शोइंग अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग भी होने वाला है आप लोगों का रिलेशनशिप। डिवाइन फेमिनिन को हर बार मैं हर एक को बोलती हूँ,
गॉड ने जितना दर्द दिया है उतना ही कैपेसिटी दिया है, पूरा जर्नी का की आपके हाथ पे है। आप खुद को कैसे तैयार करोगे, आप खुद को कैसे इम्प्रोवाइज करोगे, उसके ऊपर पूरा जर्नी डिपेंडेंट है। आप इसको खींच के 50 साल बना सकते हो, इसको खींच के 5 महीना बना सकते हो, 5 हफ्ता बना सकते हो, ठीक है ना। खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर काम करो। जो डॉक्टर है मुझे आके पूछते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये कोरोना मैडम, ये जो मेरा इतना हीलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तुम्हारा काम, तुम इतना नोबल एक प्रोफेशन में हो, टीचर, डॉक्टर्स, एनी हाउ जो भी सोशल वर्क कर रहा है या कोई भी वर्क कर रहे हैं, सब तो कोई सॉल्यूशन में होगा या होने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, काम पे कॉन्सेंट्रेट कर जाइए प्लीज़। आपके लिए आपका जो इनर वर्क है, आपका काम है, आप बहुत बड़ा नोबेल वर्क कर रहे हो। आप कितने लोगों का जान दे रहे हो, जान बचा रहे हो इन धरती पे। आप ही डॉक्टर, डॉक्टर ही गॉड होता है। जब एक बीमार इंसान अपने बच्चे को लेके एक डॉक्टर के पास जाएगा कि मुझे ऐसा है, मेरे बच्चे को बचाओ, तो वो बीमार इंसान की जो माता पिता है उनके लिए वो डॉक्टर तो गॉड ही हुआ ना। तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कितना ऑनेस्टी है, ऑनेस्टली ये जो आपका प्रोफेशन है इसको आप काम कीजिए इसके ऊपर। हाँ हाँ, आपको तो चक्रा बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है, सब कुछ करना है, शैडो साइड के ऊपर काम करना है, मगर वो ही इम्पोर्टेंट है। काम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं है। जब जो इम्पोर्टेंट है उसको बैलेंस रखिए, तभी आपकी ज़िंदगी में भी बैलेंस आएगा, आपका ट्विन भी बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। मुझे देखिए, ये अगर प्रॉपर वे में कीजिए तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है सुंदर सा एक जगह में पहुंचेगा एंड अ बैलेंस आएगा, मतलब रियूनियन होगा आप दोनों में, ठीक है। तो ये रियूनियन का बहुत चांस है। अगर आप जो जो मैंने बोला इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है ओनली डॉक्टर, इंजीनियर ही या कोई वेल एस्टेब्लिश पर्सन ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सब है, सबके लिए अलग अलग सोल मिशन है। विदाउट सोल मिशन तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई नहीं आएगा। और ये भी बात सही है, जैसे कोई नॉर्मल भी, अच्छा कोई सोल मिशन में है नहीं, मगर उनको भी सोल मिशन ढूंढना है। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी ना भी हो, उनका भी इन गॉड ने हम लोगों को भेजते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो नहीं भी है कोई ना कोई मकसद से भेजता है, कोई ना कोई काम करके जाना है। तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। कोई बात किया कि क्यों नहीं किया, वो मुझे प्यार किया, उसके ऊपर मत जाइए, खुद को प्यार दीजिए, सोल मिशन पे आइए। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ बोल रहा है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आपकी प्रॉपर जो गोल रिसीव करना, रियूनियन मस्ट। ये तो मैं बोली थी कि ट्विन फ्लेम ट्विन्स रिलेशनशिप, आपका पर्सन बहुत ही टैलेंटेड एक पर्सन। देखिए ट्विन फ्लेम का अबंडेंस साइन भी है, इनफाइनाइट साइन भी है, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जो 5-3% किए हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड द न्यू बिगिनिंग 3 of Wands, थ्री द स्टार कार्ड, द सन कार्ड, सन कार्ड इज द बेस्ट कार्ड, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द फुल टैरो डेक। तो सन कार्ड है, स्टार कार्ड है, ये भी एक डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल एक जर्नी को दर्शाते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, अगर आप प्रॉपर वे में खुद को बैलेंस कीजिए तो एक न्यू बिगिनिंग मस्ट आपके लिए, क्योंकि आप जर्नी में ही हो, गॉड आप लोगों को मिलाने के लिए ही धरती में पैदा किया है, काउंटर पार्ट और आपको। सो देखिए यहाँ पे एंजल डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है आपको, यू आर ऑन द पथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, यस, एंड फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखा ये सेम, देखा मैंने जो बोला, कितना मैं सच में वंडर हो जाती हूँ कि एनर्जी क्या चीज़ है। हम लोग जो एनर्जी लेके काम करते हैं ना, तब जाके समझ में आता है ये यूनिवर्स कैसे एनर्जी से चलता है, हम लोग कैसे सब एनर्जी है। देखिए सब कार्ड एक से एक रिलेटेड होता है, जो पुल करेंगे पता नहीं चलेगा। देखिए सिंपली डिवाइन गाइडेंस भी वही है कि लाइट वे, लाइट की वे में चलिए, खुद को लाइट दीजिए, वर्ल्ड को लाइट दीजिए, प्रॉपर वे में आगे जाइए, ठीक है ना। गोल आपको हर वक्त मिलेगा अगर आप प्रॉपर वे में जाइए, ठीक है। सोल मिशन में आइए, सोचिए समझिए कि आपका सोल मिशन देखे गॉड आपको धरती पे भेजा है, आपका ट्विन को धरती पे भेजा है, इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो ये था पोएट्री का रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, रेकी हीलिंग, काउंसिलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग,
ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए एंड मैनिफेस्टेशन करना है मेरे साथ, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, हर बार जैसे मैं बोलती हूँ कॉमेंट के जरिए मैं आप लोगों के पास एक एक न्यू सब्जेक्ट का रीडिंग लेके आ सकती हूँ आप लोगों का डिमांड की अनुसार। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबाइए, न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास आते ही रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।